हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी गुड़हल के पौधे के बारे में। ये देसी गुड़हल है, देखिए कितने सारे इसमें फूल आए हुए हैं, कितनी सारी कलियां, अनगिनत कलियां हैं। कलियों की बिल्कुल बरसात ही हो रखी है, एक भी कली पीली और काली नहीं है। मैं इन पे हमेशा ध्यान दी रहती हूँ। जब भी इनमें मिलीबग लगते हैं तो उनको मैं तेज़ पानी का स्प्रे करके हटा देती हूँ, क्योंकि मिलीबग कलियों को खिलने नहीं देते हैं और पीला करके गिरा देते हैं, जिससे कि फूल भी नहीं बन पाते हैं। अब जब भी पौधों पे पानी डालें तो हमेशा हर पत्ती को चेक करें, कलियों को चेक करें। जहाँ पे भी मिलीबग लगी हो उसको ज़रूर पानी के स्प्रे करके हटा दें, नहीं तो फिर वो बढ़ जाएगी और फिर हमें केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी गर्मियाँ हैं तो जितना कम हो सके खाद का इस्तेमाल करें। नॉर्मल पानी ही रोज़ दोनों टाइम अपने पौधों में अच्छे से डालें और मिट्टी को अच्छे से गीला करें और स्प्रे भी बहुत ही अच्छे से करें। देखिए मैं भी ऐसा ही करती हूँ। कितनी सारी कलियाँ इसमें आई हुई है, अनगिनत कलियाँ हैं, बिल्कुल भी जितनी है कि हम गिन भी नहीं सकते। हर जगह पे पाँच छः कलियाँ इसमें है ही, और सभी खिल के फूल भी बनती हैं। रोज़ ही मुझे 8-10 फूल इसमें से आराम से मिल जाते हैं। पत्तियाँ भी देखिए कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल हरी हरी पत्तियाँ हैं, पीली पत्तियाँ नहीं हैं। बिल्कुल घना पौधा है मेरा ये। इसको मैंने क्यारी में लगाया हुआ है, छत पे ही 2 ईंटों की क्यारी बनाई हुई है, मिट्टी उसमें डाल के अच्छे से लगाया हुआ है। मेरा पौधा 2 साल पुराना है, जो कि बिल्कुल ही घना हो रखा है। इसमें मैंने फरवरी के लास्ट में काम किया था, जो कि गुड़ाई किया था अच्छे से मिट्टी की। उसमें जो भी मेरे पास में खाद थी, वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय के गोबर की खाद, वो मैंने अच्छे से चारों तरफ डाला था जड़ों के। उसके बाद थोड़ी सी राख डाली थी और थोड़ी सी सरसों की खली। सरसों की खली जरा सी ही डालनी है, उसमें से पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है, फूल अच्छे बनते हैं, कलियां अच्छी बनती हैं और पीली होके नहीं गिरती हैं। देखिए मिलीबग है तो इसको मैं स्प्रे करके हटा दूंगी। तो ये काम आपको करना है फरवरी के लास्ट में, जिससे कि गर्मियों में खूब सारे इसमें फूल कलियाँ अच्छे से खिलेगी। इतनी गर्मी होने के बाद भी देखिए मेरा पौधा कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, खूब अच्छे से चल रहा है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।